गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है फिर, उस दिन कुछ क्वेश्चंस देखे थे प्रीवियस ईयर, समझ आ गए थे। चलो फिर आज नए क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे अपीयर इन डिक्शनरी। तो फिर से कौन सा क्वेश्चन है, डिक्शनरी वाला। तो देखो जरा इनमें से क्या ऑर्डर मेरा रहेगा सही वाला। उसने वर्ड्स दिए ड्रेन, ड्राई, ड्रैम्प्ट, ड्रोन और ड्रंक। तो डी, ठीक है, काफी जल्दी कर लिया। बाकी बी, पास होना चाहते नहीं इसी साल। क्या करना होता है, पहले देखना होता है किस पोजीशन तक वो क्या कॉमन है। तो सब में कॉमन क्या है, डीआर। यहां तक तो सभी सेम ही है। तो उसके आगे वाला वर्ड चेक करेंगे, इसमें क्या है, इसमें 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 ए ई आई ओ यू। इनमें से पहला लेटर कौन सा है, ए, और वो कौन से वाले पे है, फर्स्ट वाले पे। मतलब जब भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा, वन, ए के बाद वो कौन से ऑप्शन में, सिर्फ। तो आपको बाकी चेक करने की नीड है, सीधे वन थ्री टू फोर और फाइव, जो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी। क्लियर है ये, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, कोडिंग डिकोडिंग का। आलमंड का कोड उसने दिया और साथ में रेजिन का भी कोड दिया। तो पूछ रहा है कैश्यू क्या होता है, उसका कोड क्या आएगा। अच्छा आलमंड क्या होते हैं, रेजिन, सोंगी, सोंगी डोगरी है, किशमिश, किशमिश। अच्छा ठीक है, क्या आएगा, लॉजिक है, क्रॉस, पूरा का पूरा क्रॉस है या पेयरिंग में क्रॉस है, ठीक है, चेक कर लो। ऑलमंड, एल ए ओ एम डी, और बस क्लियर। तो कैश्यू का कोड क्या आने वाला है, ए सी, ये तो हो गया डिलीट। एच और एस वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, और आगे ई और डब्ल्यू का ई, ठीक है, क्लियर है। और सबको ये समझ आ गया, ठीक है। चलो चाइनीज कोडिंग, और मैंने आपको बोला कि आपको ये कभी भी टफ नहीं आएगी, आपको लॉजिक्स वाली नहीं आएगी, आपको कॉमन ढूंढने वाली ही आएगी। तो उसने किसका कोड पूछा हुआ है, अल्फा का। देखो जरा गिवन स्टेटमेंट्स में अल्फा कहां कहां पर दिया गया है, क्या पहली स्टेटमेंट में है, दूसरी में है, जिसमें वो क्या कह रहा है, अल्फा बेरी का कोड क्या दिया उसने, साथ में टैंगो भी है ना, कोड दिया उसने सी यू एन एक्स आई और ओ यू आर, क्लियर। और अल्फा मेरी सेकंड स्टेटमेंट में है, थर्ड में सॉरी, जिसमें क्या लिखा हुआ, मैंगो और अल्फा, बस। और उसका कोड दिया हुआ है एक्स ए और सी यू एन, ठीक है। अब मुझे बताओ अल्फा मेरे दोनों में है, क्लियर है, यहां पर भी है, और मैं अगर कोड को चेक करूं तो उसमें कॉमन कौन सा है, और तो कोई नहीं है। तो पूछा किसका, अल्फा का, तो अल्फा का कोड क्या आएगा, सी यू एन, समझ आ गया, ठीक। बड़ी जल्दी कर रहे हो आज, ये स्पीड चाहिए पेपर में भी। चलो देखो ये क्वेश्चन जरा इसका लॉजिक बनाओ, फिर मैं बताता हूं इसका लॉजिक क्या है। इसका रिलेशन सिर्फ इसी से है, फिर जो पैटर्न या जो लॉजिक आपने इसके लिए लगाया होगा ये सेपरेट के लिए होगा,
135 ठीक है, कैसे 167 को इसके साथ 103 के साथ माइनस किया, 64 आया, तो 103 को उससे हाफ से मल्टीप्लाई प्लस कर दिया 135। और कोई वही वाला लगा रहे हो सेम? अच्छा फिर अच्छा ये भी लॉजिक लगा रहे तो केवल ये भी ठीक है, इसमें चार है इसमें तीन है इसमें आठ है इसमें सात है इसमें छह है इसमें पांच। अच्छा पेपर में नहीं चलता ये अगर चलो इसमें तो है पांच, ऑप्शन में एक और मिल गया जिसमें पांच ही होगा 145 फिर। अच्छा इसका जो एक्चुअल लॉजिक है उसने पता क्या बनाया वो ये है। ये उसने इसका एक एक्चुअल लॉजिक बनाया, सात आएगा मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 98 प्लस 5 करोगे तो 103 आएगा। मतलब जो मेरा फर्स्ट नंबर है उसको क्या कर रहा है मल्टीप्लाई 14 उसी नंबर को डिवाइड कर रहा है फिर 2 से और पूरे को ऐड कर रहा है किससे 5 से। ये लॉजिक आपका सही है या गलत ये आपको कौन सा चेक कराएगा जो आपके पास पूरा बड़ा हुआ है 18 वाला? तो हम उसके लिए अगर चेक करेंगे तो देख लो ये 18 है करोगे चेक नहीं आएगा करो देखो क्या 167 आएगा कि नहीं आएगा करो करो 162 आएगा और बाद में उसमें क्या करना है तो क्या 167 ही आएगा आएगा हाँ तो चेक करो 16 के लिए क्या आंसर आ रहा है। लॉजिक फेल हो गए 4-3 बना तो रहे हो बना क्या होगे टिक भी करके आओगे लेकिन आंसर क्या है 130। मैंने बोला ना इनमें जब पिछली वीडियो में किया था तो मैंने कहा था जब डबल रेशियो लग जाती है तो ये एक पेयर बन जाता है ये एक बनता है। और क्वेश्चन पढ़ो उसने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन पहले पढ़ना उसने क्या बोला हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म जो कि मेरे थर्ड टर्म से ही रिलेट करेगा उसी वे में जैसे सेकंड वाला फर्स्ट से है और सिक्स वाला फिफ्थ से है तो आपस में ही पेयरिंग में चलेंगे। जैसे आपने बोल दिया कि ये लॉजिक बना के या इसको इससे कर रहे हैं तो वो नहीं चलना है वो हो गया तुक्केबाजी। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कैलकुलेशन तो आपने करनी है क्या आ रहा है किसी ने आप ही में से बोला ना 133 देख लो एक सौ तीन अरे ये अलग है ये लॉजिक है क्या आ रहा है क्लियर चलो इसका देखो क्वेश्चन को पहले जरूर पढ़ना अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे आप वही चीज करते जाओगे जो पिछले क्वेश्चंस में की है हमने प्रीवियस वाले में एम से के से एस इस तरह का लेकिन अगर चेक करो एम से के तक तो चलेगा लॉजिक लेकिन के से एस का नहीं चलेगा एस और क्यू का लगेगा और फिर डी और जो नेक्स्ट आने वाला है तो बनाओ जरा आंसर क्या आएगा लेकिन लॉजिक सब में एक ही होगा एम से के मुझे बताओ फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है बैकवर्ड है और कितना ये है कितना बैकवर्ड कितने स्टेप पीछे आए हुए हैं माइनस टू हुआ है तो डी से अगर मैं माइनस टू करूंगा तो क्या आएगा बी बी आएगा वो मेरे कौन से ऑप्शन में सिर्फ बी और सी में ही है तो ये तो कभी आंसर नहीं आने वाले लेकिन बी एच क्या है सेम है आपको वहां पर जल्दी से आंसर करना है तो आप पहचानोगे कि इनमें से क्या आ सकता है इसके लास्ट में क्या इसके
डी और जी में कितना डिफरेंस है? तीन, तीन स्टेप चलते हैं ना, प्लस थ्री हुआ है। इसके लास्ट में क्या है? के में प्लस थ्री करो तो क्या आएगा? एन आएगा, मतलब लास्ट में अरे एन ही दिखेगा। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में एन है? बी में। तो आपका आंसर क्या आने वाला है? बी एच क्यू और एन। क्लियर है ये? पेपर में आपको करना कैसे, जब आपके पास एक बार कंफर्म हो गया कि आंसर इन्हीं दोनों में से एक है, और कहां तक वो आपस में कॉमन है, बी और एच, बी और एच। क्यू पी को तो अभी रहने दो, लास्ट में भी क्या ये चेंज, तो आप चाहे इसको चेकआउट करो या लास्ट वाले को चेकआउट करो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने लास्ट वाले को चेक किया कि एन आएगा या एम, वो किससे पता लगेगा? मेरे इस वाले पेयर से या इस वाले पेयर से। वो पता लग गया कि लास्ट में मेरे पास क्या हो रहा है, प्लस थ्री। तो अगर मैं के में प्लस थ्री करूंगा तो क्या आने वाला है? एन। तो वो कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन बी। तो बी एच क्यू और एन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? एनालॉजी का इसमें क्या दिए? ऑपोजिट्स। सॉफ्ट का ऑपोजिट क्या होता है? उसी तरह क्रिएट, बनाना, और डिस्ट्रॉय, बिगाड़ना। ब्लड रिलेशन, और देख रहे हो कि कोडेड ही आ रही है, तो ध्यान से पढ़ो और बनाओ, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। उसने बोला है ये चीज दी है कोडेड, बोल रहा है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू नहीं है, ये नहीं बोला कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत है, ये पूछा है। तो ध्यान से करना ये क्वेश्चन। बनाओ बनाओ, इन स्टेटमेंट्स में से हो सकता है कोई गलत हो। ए मल्टीप्लाई जी, तो मल्टीप्लाई का मीन मतलब क्या है? पहले वाला दूसरे का क्या है? हस्बैंड है ना। ए मल्टीप्लाई बी, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो ए हस्बैंड यहां पर किसका बन रहा है? जी का। तो ये फीमेल होगी। अब नहीं बोलना कि लड़के लड़के भी शादियां कर रहे हैं। अच्छा, जिस पे खत्म वहीं से शुरू, जी माइनस एन, तो माइनस का रिलेशन क्या दे रहा है? मदर का, कि पहले वाला दूसरे की क्या है? मदर। तो मतलब जी किसकी मदर है? एन की। और देख लो जी फीमेल ही बनी है, और जी मदर है एन की, तो ये बनेगा एन डिवाइड डी। डिवाइड का मतलब क्या है? सिस्टर, पहले वाली दूसरी की। एन किसकी बहन है? डी की। तो बहन है तो ये फीमेल होगी, और किसकी है? डी की। डी प्लस बी, प्लस का मीन्स भाई, तो डी किसका भाई है? बी का। बी का, ठीक है। पढ़ो जरा वो पढ़े ऑप्शंस, पहला ही गलत है। ठीक है, मैंने बोला ना क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ, टी टी टी, मुझे लगता है इन्होंने क्वेश्चन में कुछ एरर किया, यहाँ पे ए की जगह टी होगा। नहीं नहीं, नॉट ही है, आपको गलत वाला ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम टी को रख दें, रुक जाओ, अगर यहाँ पर टी होगा सपोज, ठीक है। अब देखो सर, इसमें एक ही ऑप्शन ठीक बोल रहा है, पहला, बाकी सारे गलत है। बाकी सारे गलत हो रहे हैं। डी इज टी सन, अच्छा कहाँ गलत है? डी टी का सन नहीं है वो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर टी है, यह ठीक कर लेना, ये कुछ लगता है टाइपिंग एरर है, यहाँ पर टी आएगा। यहाँ पर टी है, अच्छा टी, डी जो है वो टी का बेटा है, है? ए इज टीज फादर, ए उस, मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है।
है ना। अच्छा ए इज एंस मदर फादर, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। हाँ इनमें से गलत कौन सा, बस आपको यही ढूंढना था, लेकिन इसमें क्वेश्चन में लगता है कुछ गलती है। चलो बाद में चेक करते हैं इसको। कौन सा ब्लड रिलेशन का, सेवंथ क्वेश्चन, लास्ट में इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। चलो ये देखो ऑन द क्वेश्चन, फिर इधर ही बनवाते हैं बोर्ड पे आके बेबी डॉल। चलो इसका देखो, अब इसमें रेशियो वगैरह नहीं दी हुई, तो हो सक ये क्या आपस में रिलेशन में है, के से एम, एम से ओ, उसी तरह ओ से क्या आएगा कि फिर आगे एस दिखेगा। तो आपको डिफरेंस ही पहचानना है फर्स्ट फर्स्ट लेटर के। के से एम प्लस टू यू है, एम से ओ फिर से प्लस टू, तो ओ से भी अगर मैं प्लस टू जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्यू। और ये चीज सही है गलत वो यहीं से पता लगेगा, अगर प्लस टू करूं तो ऐसी है, तो क्यू वाले कितने ऑप्शन है, तीन है। पी से एन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, कितने स्टेप, दो। सेम वे में एल से एन भी क्या है, हाँ सॉरी पी से एन क्या हो रहा है मेरा, बैकवर्ड हो रहा है, एन से एल क्या हो रहा है, बैकवर्ड, दो स्टेप। उसी तरह अगर मैं एल से दो स्टेप पीछे जाऊंगा तो क्या आएगा, जे आएगा, ये होता ना, एल से आप दो स्टेप पीछे है तो क्या आएगा, जे। ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, दो ही बचे हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो वो चाहे आप लास्ट वाले को चेक करो या थर्ड वाले को चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। क्यू से एस, क्यू से एस प्लस टू है, एस से यू प्लस टू ही होगा, ठीक है, और U से प्लस टू करूंगा तो W, तो वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन C में। तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन C, क्लियर है, ठीक। इसमें देखो जल्दी से बनाओ, जल्दी से पेपर में स्पीड चाहिए बस। के से पी फॉरवर्ड है, कितने स्टेप है बस वो देखो, फाइव, तो पी से अगर फाइव ऐड करो तो यू ही आएगा, तो ये तो डिलीट हो गया। अब इन तीनों में से कौन सा वाला आ सकता है, डी, डब्ल्यू, ठीक है, एम से आर कितने स्टेप है, पांच, तो आर में अगर आप फाइव ऐड करोगे फॉरवर्ड तो देखो डब्ल्यू आएगा, तो ये भी खत्म, ये दो बचे, इनमें से एक्स आएगा पहले कि वी आएगा, एल के बाद वापस क्या आ रहा है, क्यू, कितने स्टेप, पांच ही आ रहे हैं, तो Q में अगर आप प्लस फाइव करोगे तो V आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है वो, ऑप्शन डी। सब में क्या हो रहा है, प्लस फाइव, हर किसी में इसमें क्या चले है मेरे, प्लस फाइव, हम जितने स्टेप चलते हैं उतने ही गिनते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं A से B फॉरवर्ड है तो प्लस, और कितने स्टेप चलाऊं, एक, वैसे अगर ए से लेके डी तक चलता कितने स्टेप है, एक दो तीन, और फॉरवर्ड है तो प्लस, ठीक है, और इसमें हम कितने चल रहे हैं, पांच पांच,
95, ठीक है। बाकी डिफरेंस निकाल रहे ना, इजी क्वेश्चन है ये। इसमें आपस ये नहीं देखा कि मैंने पेयरिंग में कुछ चल रहा है, ऐसे ऐसा वाला कुछ नहीं है। कितने का गैप है, कितने का अभी मुझे इसका नहीं पता, अगर इसका पता होता तो मैं आगे का भी गेस करूं, लेकिन मेरे पास कुछ चीजें हैं जो सेम टू सेम लग रही है, 3 और 9। देखा देखा है ये, अगर मैं बोलूंगा 3 की पावर क्या 1, ये क्या 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27। ये लॉजिक मेरा सही या गलत, अगर मैं 68 में 27 ऐड करूं तो क्या आएगा 95। 68 में अगर मैं 27 को ऐड करता हूं तो मेरे पास 95 आएगा। चलो 95 आ गया, 27 के बाद 3 का ये चीज होनी चाहिए। आर आंसर, तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन डी। क्या चला है, 3, 9, 27, 81, 3 की पावर 3 का स्क्वायर, ये इसका लॉजिक। सामने सामने दिख गया आपको जब पहले दो ही चले हो आप, ठीक है, सबका आ रहा है 95, ठीक। फिर इसका देखो, अब इसमें 2 क्वेश्चन मार्क है और ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े ही है, तो आपको डिफरेंस निकालने से आइडिया मिल जाएगा। हेलो अक्का, और कितने पहले वाले 2 बस, ए कितने का गैप है, 1 का, कितने का, 2 का। अब मुझे आगे के लिए नहीं पता, तो क्या लॉजिक बना रहे हो, आपने बोला फर्स्ट 232 से 36 कितने का गैप लेके बना, 4 का। अब नंबर जाने बचाने आने वाली है, और यहां पर 4 में आप कितना ऐड करोगे कि 44, यहां पर 44 बनेगा, 25 में 4 को ऐड करेंगे, आगे 16 और फिर ये बनेगा, चल क्या रहा है, ये तो 2 का टेबल है, क्या ये है, और ये पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, स्केयरिंग, ये चीजें की। मुझे बताओ 2 की पावर अगर 1 होगी तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 की पावर 2 होगी तो 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4, ये चीज चल रही है, ये कब बनेगा, जब 2 की पावर 0 होगी, तो ये चीज चल रही है, 2 की पावर 0 क्या होती है, 1, 2 की पावर 1 क्या होती है, 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 16 32। तो आप 232 में ऐड कर लो 4 तो क्या आएगा 236, और वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। आगे के लिए अगर आप चेक करोगे 244 में ऐड कर लोगे 16 तो क्या आएगा, ठीक है, ये है आपका पैटर्न। कितनों का सही था, ठीक है, चलो। उसने बोला मुझे इस इक्वेशन को करेक्ट साबित करना है अगर मैं गिवन नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करूंगा, तो
इन ऑप्शंस में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 175 वाला है। अगर आप बाकियों को देखोगे तो सभी क्या है, छोटे ही हैं। एक यही नंबर है जो सबसे क्या बड़ा है। जरा करो इंटरचेंज, साइंस को मत करना, सिर्फ उसने क्या बोला है नंबर्स को, तो करो। और फिर अकॉर्डिंग टू द बॉड मास, ठीक है, बॉड मास के अकॉर्डिंग करोगे तभी आंसर ठीक होगा, गलत करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। पहले क्या होगा, डिवाइड, पहले माइनस कर दोगे बाद में डिवाइड करोगे आंसर अलग आ जाएंगे। तो 27 की जगह 175 को रख के देखो, और 175 की जगह 27 को, और यहां पर आएगा 170, और मुझे लगता है आंसर यही होगा। देखो निकाल के, वन आएगा, वन नहीं आएगा। पहले ब्रैकेट वाले अंदर वाले सॉल्व करो, कर दिए। ब्रैकेट में भी पहले वाले कौन सा होगा, मल्टीप्लाई वाला सॉल्व, पहले जिसने माइनस कर दिया बाद में मल्टीप्लाई किया आंसर गलत आएगा। किया, डिवाइड को करो सॉल्व, फिर उसके बाद देखो माइनस होता है पहले कि प्लस होता है, प्लस होता है, प्लस वालों को करो सॉल्व, फिर माइनस वालों को, आंसर आपका यही आएगा, वन इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। किया किसी ने, क्यों नहीं किया, पेपर में करने। हाँ नो आ जाएगा, 175 जो होगा इनका जो आएगा उससे मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, पहले थोड़ा उससे माइनस होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा ना, वन आ रहा है और यही आएगा, यही आएगा। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन सेम है, मतलब इंटरचेंज वाला ही क्वेश्चन है, बट इसमें किसको इंटरचेंज करवाना है, साइंस को। और आपको पता है पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है, तो करो इसको, जहां जहां पर डिवाइड है ये डिवाइड का साइन है, वहां पे प्लस, और जहां पर प्लस है वहां पे दो ही है ना डिवाइड वाले, की ये और एक ये वाला, पहले ये वाला ट्राई करो, देखो क्या 252 आएगा। अगर आएगा तो हमारा जो हमने इंटरचेंज के लिए साइंस को पुट ऑन किया वो सही है। और आपको देखने को मिलेगा ही डिवाइड ऑप्शंस में हर बार। यही आ रहा है, अगर ये नहीं होता तो आप इसको चेक करते और हो सकता है इसी से निकल जाता, ठीक है, लेकिन आपका इसी से आंसर आ गया, आ गया, यही है, ठीक। स्लॉक्स बचाने वाले क्वेश्चन आपको, ऑल ग्लव्स आर बैट्स, क्या आंसर आ रहा है इसका, देखो आ गया आंसर, क्या आंसर है, ए, ऑल स्टंप्स आर बैट्स, स्टंप्स और बैट्स का रिलेशन है, ठीक है, तो ये मैंने बैट बनाया, यहां कहीं पे स्टंप होगी,
गलती से भी ग्लव्स के अंदर नहीं रखना ना उससे इंटरलिंक करना। और सारे के सारे बैट्स किसने हैं? अगर इसके बाहर से बनाएंगे वैसे तो ग्लव्स के बाहर से स्टंप्स तो बाहर ही तो है ये ऐसे पूरा। वो तो फिर ग्लव्स क्या हो गए? सारे ग्लव्स, ग्लव्स के साथ आपने उसका कहीं ना कहीं रिलेशन बना दिया, सम का या ऑल का बन गया ना। वो फिर आगे अगर मैं ऑप्शंस चेक करूंगा तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अच्छा क्या कह रहा है? ऑल स्टंप्स आर ग्लव्स। क्या सारे के सारे स्टंप जो है ग्लव्स में है? नहीं है, अलग है। अगर बना दिया होता तो कहीं ना कहीं वो सम या ऑल का रिलेशन बना देता। अच्छा सम बॉल्स आर, क्या कुछ बॉल्स मेरे ग्लव्स है? है बॉल ने सबको कवर किया है और ये सब बॉल के क्या है? सम पोर्शन। तो ग्लव्स क्या बॉल के अंदर नहीं आ रहा? तो ये है सम बॉल्स आर स्टंप्स है, तो वो भी है। तो मेरे आंसर कौन से हैं? ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा क्या है? करेक्ट। ठीक है, आपकी डायग्राम ही आपको आंसर बताएगी। सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ बनाओ। और सर्कुलर अरेंजमेंट है, फेसिंग सेंटर है, तो मुश्किल क्वेश्चन क्यों नहीं है? सेंटर बोल दिया उसने कि सभी के सभी सेंटर में देख रहे हैं। डायरेक्शन क्या है? मिली हुई है। हाँ तो बनाओ जल्दी से, इसका आंसर क्या आ रहा है? काफी आसान क्वेश्चन है, यहां से शुरू आपका क्वेश्चन। पर्पल इज सिटिंग ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किसके? ब्लैक के। ब्लैक के कहीं ना कहीं इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है? पर्पल है। बन गया? ब्लैक के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है? पर्पल। क्लियर? ना ना आपकी मर्जी, आप ब्लैक जहां मर्जी रखो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला पर्पल जब भी आएगा किसके लेफ्ट पे है? ब्लैक के। तो आप ब्लैक को चाहे यहां पे रखो तो पर्पल यहां पे, यहां पे रखो तो पर्पल यहां पे। बी जो देखते हैं। अच्छा सियान इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लैक। ब्लैक का थर्ड लेफ्ट कहां पे है? फर्स्ट, सेकंड, यहां पर आएगा। क्लियर? कह रहा है ग्रे इज इमीडिएट नेबर ऑफ पर्पल एंड सियान। तो ग्रे क्या मिडल में आएगा पर्पल और इसके? तो यहां पर ग्रे आ गया आपका। ठीक है, इंडिगो इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ब्लैक। तो ब्लैक का राइट इसी तरफ है और सेकंड राइट बोल रहा है, फर्स्ट राइट सेकंड, इंडिगो। और लास्ट कलर कौन सा बच गया? येलो। और वो ठीक है या गलत अरेंजमेंट वो यही बताएगी लाइन। येलो इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ग्रे। तो इसका राइट कहां पर है? तो देख लो कहां पर है, चाहे यहां से आप मान के चल रहे हो या यहां पे, जिसको नहीं भी पता आएगा कब, यहीं पे। अच्छा क्या पूछा था उसने क्वेश्चन? ग्रे और इंडिगो के बीच में कौन है? कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। क्लियर है सबको? रो वाला पिछला क्वेश्चन 9 स्टूडेंट्स का था जो हमने पहली वीडियो में किया था। इसमें कितने हैं? 7। उसमें भी फेसिंग क्या था? नॉर्थ ही था। इसमें भी क्या है? पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। वहां पर हम अज्यूम कर रहे थे स्टार्टिंग में कि नॉर्थ होगा, क्यों उसने स्टार्टिंग में नहीं दिया था, तो लास्ट में जाके पता लगा था। इसमें भी लास्ट पे लिखा है। सारे कहां पर फेस कर रहे हैं? नॉर्थ। ठीक है, पढ़ते चलो लाइन्स और बनाते चलो। क्वेश्चन शुरू है यहां से।
मेन कह रहा है ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट, एक दो तीन ए आएगा, डी सिट्स टू द एक्सट्रीम राइट, लो डी की पोजिशन फिक्स होगी, डी एक्सट्रीम राइट पे है, तो यहां पे डी अगर आएगा तो ए कहां पर आएगा, आ गया है? अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ए एंड एफ, मुझे बताओ दो पर्सन की जगह तो है लेकिन यहां पर एफ है, एफ कहां पर आएगा, दो पर्सन के लिए जगह बच गई, बी इज एन इमीडिएट नेबरर ऑफ, बी एकदम नेबरर किसका, एफ का, तो बी आएगा यहां पे, यहीं पे, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, तो यहां पर कौन आएगा, सी और डी के बीच में एक पर्सन, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबरर ऑफ ए, जी ए के पास नहीं आएगा तो कहां पर आएगा, तो किसके लिए जगह बची हुई है, ई के लिए, बस क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड, तो देख लो क्वेश्चन भी उसी के रिगार्डिंग है, तो कौन है, ई, क्लियर है ये, जिसके रिगार्डिंग उसने कोई लाइन दी भी नहीं है, क्वेश्चन भी उसी के रिगार्डिंग पूछा कि बताओ बी और ए के मिडल में कौन है, तो वो कौन है, ई, अच्छा इसकी इमेज ले लो, ये क्योंकि आप नोटबुक पे ही बनाओगे, चेक करोगे वो जो पेज वाली ट्रिक आपको बताई है, ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड है, ठीक है, यहां पर ना ये आप फोटो ले लो इसकी, सोड़ नहीं देना पेपर में, नहीं सोड़ना है, हाँ हाँ ग्रुप में आएगी, हाँ इसका दो, इसका आंसर जरूर दो, ये क्वेश्चन डाइस, ओए पंजी वाले कौन है, मुझे बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है, तीन केस पड़े में कॉमन ही ढूंढते थे, इसमें क्या कॉमन, इसमें क्या 26 और 25 है, इसमें भी है केस थर्ड बन गया जिसमें दो कॉमन होते हैं, जो सेम नहीं वो क्या ऑपोजिट, और उसने क्वेश्चन भी क्या पूछा है, 27 के ऑपोजिट, तो आंसर क्या आएगा 30, अच्छा ये फिगर्स का इतना ध्यान देना, इसका बस यहां पर खत्म हो गया, नई फिगर है तो इसका एक और आएगा, इनमें से कौन सी आएगी आपको इनमें देखना लॉजिक क्या हुआ है, पहले बताओ ये रोटेशन तो हुई है, रोटेशन कौन सी है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये होता ना क्लॉकवाइज, इस वाले को देखो, यह वाला देखो, ये चीज है, एक सेकंड, ये चीज है क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो मुझे ऐसा ही दिखेगा, लेकिन वो कितने डिग्री पे हुई है वो ध्यान रखना, ये कितने डिग्री पे हुई है, 45 पे हुई है, अब ये चीज है ऑलरेडी इसी पोजीशन में है, जब ये 45 पे रोटेट होगा सीधा हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, रोटेशन चेक की, रोटेशन के बाद बस ये देखना है कौन सी डिग्री पे हुई है, तो किस डिग्री पे हुई है, 45 डिग्री पे, ले लो फोटो इसकी, एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर मतलब ये जो फिगर दी हुई है ये आपके इन्हीं चारों में से कौन सी वाली फिगर में छिपी हुई है, बस आपको ये ढूंढना है, डी पक्का, बड़ा इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर जगह नहीं थी, इसलिए सेपरेट है ये, ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ आई सभी आपको, इसी अच्छा वो ब्लड रेशन का, हाँ वो मैं चेक करता हूँ यार क्वेश्चन का, वो कुछ क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चलो मैं बता दूंगा उसके बारे में, लेकिन चेक करूंगा उसका क्वेश्चन में, अच्छा बाकी क्वेश्चन समझ आए, आपने क्वेश्चन देख लिए, जिसने पहले पहला लेक्चर भी देखा था, क्वेश्चन इसी तरह के हैं,
और यही क्वेश्चन आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के दो क्वेश्चन, डाइस का एक क्वेश्चन, फिगर्स में इम्बेडेड फिगर, मिरर इमेज, और कौन सी रोटेशंस वाली, और क्या था, एक क्वेश्चन क्या आ रहा है इंटरचेंज साइन का, और एक में आ रहा है जिसमें डिजिट्स को इंटरचेंज किया, ये वाला। उसके अलावा सीरीज के क्वेश्चन जो सब में क्या है आपस में लिंक नहीं रख रहे एक दूसरे के साथ ऐसे, और एक वो जो पेयर वाले थे कहां गए वो, ये ऐसे वाले, ठीक है, ठीक है, क्लियर है आज का लेक्चर, ठीक, थैंक यू क्लास।